सर्दियों में जब कोहरा बहुत घना हो जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहीं कैसे जा पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है और हमें रास्ता साफ नजर नहीं आता है। लेकिन उस वक्त जब आप एक एक कदम बढ़ाने लगते हैं तो आपको रास्ता भी साफ साफ नजर आने लगता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इंग्लिश के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप इसे दूर से सुनने समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको ये लैंग्वेज सीखनी है, आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो चीजें भी आपके लिए आसान होने लगती है। एक एक करके कदम जब आप बढ़ाते हैं तो आपको एक एक करके चीजें समझ में भी आने लगती है और आप इस जर्नी को एंजॉय करते हैं और एक दिन आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। जरूरत है तो सिर्फ फोकस की, प्रैक्टिस की और कंसिस्टेंसी की। हर दिन आपने प्रैक्टिस करनी है, हर दिन आपने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। आपको जितना अभी आता है, जितना भी आप सीखते हैं, वीडियोस देख के सीखते हैं या बुक से सीखते हैं या किसी से सीखते हैं, तुरंत आप उसको अप्लाई कीजिए अपनी डेली लाइफ में। जितना भी आपको आता है आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए। यही एक सही तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ वीडियोस को देखकर ही या फिर आप सिर्फ बुक्स पढ़कर इंग्लिश सीखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जो भी आप सीख रहे हैं, जहां से भी आप सीख रहे हैं, चाहे वो ये वीडियो हो या कोई और वीडियो हो, आप उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। देखिए, सीखिए और उसको बोलना शुरू कीजिए। उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, उसको रिपीट करते रहिए और वो रिपीट तब तक करते रहिए जब तक वो एक नेचुरल पार्ट ना बन जाए आपका डेली कॉन्वर्सेशन का। आपकी प्रैक्टिस के लिए आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ 60 ऐसे सेंटेंसेस जिनको सीख के, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जब आप इन्हें डेली यूज करने लगते हैं तो ये आपके माइंड में स्टोर हो जाता है और जब भी आपको इन सेंटेंसेस को बोलने की जरूरत होगी ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ये इंग्लिश के सेंटेंसेस ही निकलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने पूरा देखना है और जितने भी सेंटेंसेस है उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आप कहां थे? वेयर वर यू? वेयर वर यू? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। आई कांट लिव विदाउट यू। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्या हम कुछ देर साथ चल सकते हैं? कैन वी वॉक टूगेदर फॉर सम टाइम? कैन वी वॉक टूगेदर फॉर सम टाइम? तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? Why are you going with him? Why are you going with him? क्या आप उसे जानते हो? Do you know him? Do you know him? मैं नहीं जानता वह कौन है। I don't know who he is. I don't know who he is. तुम कब तक उसका इंतजार करोगे? How long are you going to wait for her? How long are you going to wait for her? यहाँ पर हमने her का use किया है, यानी कि यहाँ पर हम लड़के के लिए बात कर रहे हैं कि तुम उस लड़के का इंतजार कब तक करोगे? क्या आप अब भी उसके साथ जाना चाहते हैं? Do you still want to go with him? Do you still want to go with him? तुम सचमुच पागल हो। You are really crazy. You are really crazy. वह मेरे साथ नहीं है। He is not with me. He is not with me. मुझे उससे बात करनी है। I have to talk to him. I have to talk to him. वह सो रही है। She is sleeping. She is sleeping. वह भूल गई थी। She had forgotten. She had forgotten. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine.
Everything will be fine. अब मैं बेहतर हूँ. I am better now. तुम किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to? आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? How much do you know about me? मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहता. I don't want to talk about this matter. क्या वे अब खुश हैं? Are they happy now? आपका फोन बज रहा है. Your phone is ringing. आप वहां क्यों गए थे? Why did you go there? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो. Don't try to make me a fool. तुम कुछ भी नहीं हो. जब हम कभी किसी को गुस्से में बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तब हम कह सकते हैं You are nothing. मेरे साथ आइए. Come with me. मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. I will teach you. क्या हम कुछ समय बाद बात कर सकते हैं? Can we talk later? मुझे भूख नहीं है. I am not hungry. मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता. या फिर जब हमें कहना हो कि मेरी अब उसके साथ नहीं बन रही है, तब हम कह सकते हैं I can't put up with him now. मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था. I should not have told him. हो सकता है वह किसी और को बता दे. He might tell someone else. वह भरोसेमंद नहीं है. He is not trustworthy. यह मेरा नया काम है. It's my new job. मैं अपने काम का आनंद ले रहा हूँ. या फिर जब हमें ये कहना हो कि मैं अपने काम को enjoy कर रहा हूँ, तब हम कह सकते हैं I am enjoying my work. यह मेरे लिए आसान है. It's easy for me. मैं बाद में करूँगा. जब हमें ये कहना हो कि कोई काम हम बाद में करेंगे, फिर हम कह सकते हैं I will do it later. क्या आप अस्पताल जा रहे हैं? Are you going to the hospital? वह मुस्कुराती रहती है. She keeps smiling. वह बहुत बातें करती है. She talks a lot. मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ. I want to meet my friends. कौन है वे? Who are they? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? What are they doing here? वे क्या चाहते हैं? What do they want? क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? Are you telling me the truth? वो दोस्त नहीं है. They are not friends. मैं सोमवार से यहीं रह रहा हूँ. I have been living here since Monday. मैं कभी गोवा नहीं गया. I have never been to Goa.
क्या आप जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो? डू यू वॉन्ट टू गो? मुझसे बात मत करो. डोंट टॉक टू मी. डोंट टॉक टू मी. समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कृपया इसकी मरम्मत कराएं. प्लीज गेट इट रिपेयर्ड. प्लीज गेट इट रिपेयर्ड. अपने बाल कटवाओ. गेट योर हेयर कट. गेट योर हेयर कट. वो आ गया है. ही हैज कम. ही हैज कम. वह छिपा होगा. ही मस्ट बी हाइडिंग. ही मस्ट बी हाइडिंग. मुझे बहुत आनंद आया. आई हैड अ ग्रेट टाइम. आई हैड अ ग्रेट टाइम. तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? क्या आपको ये मजाक लगता है? डू यू फाइंड इट फनी? डू यू फाइंड इट फनी? आप इसे सीख सकते हैं. You can learn it. You can learn it. अब आप प्रैक्टिस करें. Now you practice. Now you practice.